दोस्तों बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर 2021-22 की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बिहार बोर्ड की ओर से एडमिट कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर आई है, जो कि आप लोगों को जानना बेहद ही जरूरी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग समझिए कि 26/11/2020 प्रभात खबर का ये न्यूज है, आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 5 का। .NET बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, फिर क्रॉप करना है, सबमिट कर देना है, आपको 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे किसी भी बोर्ड का होमवर्क हो, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड, अदर बोर्ड, क्लास 6 से 12 से लेकर NEET IIT JEE Mains और एडवांस लेवल तक ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा सोल्यूशन .NET पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का। साथ ही .NET पे 9th से 12th क्लास के बच्चों के लिए चल रही है लाइव क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं .NET पे, तो आप भी डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है बकाया राशि का करे भुगतान, तब जारी होगा एडमिट कार्ड। यहाँ पे मैट्रिक इंटर दोनों के लिए ये न्यूज है। यहाँ पे बताया गया है मैट्रिक इंटर की वार्षिक परीक्षा 2021-22 में शामिल होने वाले कई स्टूडेंट्स का जो कि पैसा जमा नहीं हुआ है, स्कूल ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद जो कि स्टूडेंट्स का पैसा जमा नहीं किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी स्कूल के प्रधान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर बकाया पैसा जमा कराने के लिए कहा है। बिहार बोर्ड ने कहा कि बार बार निर्देश के बावजूद कई सारे स्कूल कॉलेज जो कि पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, इसी के चलते यहाँ पे बिहार बोर्ड ने ये निर्णय लिया है। देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि स्टूडेंट्स का शुल्क जमा नहीं हो पाया है। कई स्टूडेंट्स का आवेदन तो भर दिया गया है, लेकिन शुल्क यहाँ पे शुल्क जमा नहीं किया गया है। उन विद्यालयों के प्रधान को निर्देश दिया गया है कि वे हर हाल में बकाया पैसा 5 दिसंबर तक जमा करें। जिनका शुल्क जमा नहीं होगा उनका प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ बतला दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स मैट्रिक इंटर का है एग्ज़ाम देंगे, उनका यदि जो फॉर्म जो भरे हैं उनका जो कि फ़ी जमा नहीं किया गया है, तो इस स्थिति में आपका फाइनल परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। यहाँ पे साफ साफ दावा किया गया है बिहार बोर्ड की ओर से। आप भी अपना स्कूल कॉलेज में संपर्क कर सकते हो कि सर हमने जो फॉर्म भरे हैं और 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे हैं, क्या उसका जो कि हम लोग फ़ी जमा किए थे वो आप लोग बिहार बोर्ड के पास जमा किए हैं या नहीं, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और आप लोग परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।